चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउजिंग। डाउजिंग के बारे में हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हो या कुछ ना सुना हो। थोड़ा सा अलग हटके ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में है क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ। डाउजिंग एक बहुत ही पुरानी विद्या है, बहुत पुरानी विद्या है। आज के जमाने में इसको डाउजिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुराने जमाने में ये बहुत अलग अलग तरीकों से बहुत अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज की जाती थी। जो लोग गांव से वास्ता रखते हैं उनको शायद थोड़ा सा अंदाजा होगा जो मैं अब बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गांव में एक इंसान होता है जो एक वाई रॉड लेके, पेड़ की कोई टहनी लेके, और वो खेतों खेतों घूमता है और वो बता देता है कि जमीन के नीचे यहाँ पे पानी है और वहां पे बोरिंग होती है और वहां पे पानी निकलता है। तो वो विद्या जो है वो एक्चुअली डाउजिंग ही है। जो आप लोग डाउजिंग करोगे आज वो एक टूल है जिसको हम पेंडुलम बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पेंडुलम डाउजिंग। लेकिन डाउजिंग के और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें एल रॉड, टी रॉड, वाई रॉड और अलग अलग मेटल की रॉड्स, ये सारी चीजें अलग अलग पर्पसेस को जानने के लिए की जाती है। डाउजिंग छुपी हुई चीजों को जानने का एक तरीका है। छुपी हुई हर चीज दुनिया में वाइब्रेशन से चलती है, चाहे वो जमीन के अंदर का पानी हो, चाहे जमीन के अंदर का सोना हो, कुछ भी हो, हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है या किसी न किसी वाइब्रेशन से उसका संबंध जरूर कुछ अलग तरीके से बन जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, एक आप लोगों ने देखा होगा कि फौजी जो है वो लैंड माइंस जहां बिछी होती हैं, तो वहां पे एक वो रॉड सी लेके चलता है, आगे एक सर्कल सा बना होता है और वो ऐसे ऐसे पूरा स्कैन करते हुए चलते हैं कि कहीं पे बॉम्ब तो नहीं है या कहीं पे लैंड माइन तो नहीं है, और उनके कानों में एक अच्छा सा हेडफोन लगा होता है, तो कहीं कहीं पे उनको कुछ वाइब्रेशन सेंस होती है कि जमीन के अंदर कोई बॉम्ब या लैंडमाइन या कुछ इस तरीके का है। और वो वाइब्रेशन जब उनकी डिवाइस के वाइब्रेशन से मैच कर जाती है तो वो पता लगा लेते हैं कि जमीन में नीचे यहाँ पे बॉम्ब है या लैंडमाइन है। आज के जमाने में आपने शायद देखा होगा कि जैसे बिजली की कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जमीन के अंदर जो हमारे बहुत मोटे मोटे तार पड़े हुए हैं वो बीच में से कहीं ब्रेक हो जाते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है किसी वजह से और लाइट चली जाती है उस एरिया में। तो पहले के जमाने में होता था पूरी लाइन खोद के फिर ढूंढना पड़ता था तार कहाँ से जला है या कहाँ से खराब हुआ। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वही कानों में एक ईयरफोन लगा हुआ और वो डिवाइस लेके चलते हैं, तो जहां पे तार का प्रॉब्लम होता है वो पर्टिकुलर जगह पे वाइब्रेशंस आ जाती हैं, वो सेंस कर लेती है डिवाइस और पता लग जाता है कि जमीन के अंदर इस जगह पे तार में कोई फॉल्ट आया है। यही चीज दूसरे तरीके से इस्तेमाल की जाती है, जो हम रडार टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। रडार टेक्नोलॉजी क्या है, माइक्रोवेव्स होती हैं ये, और वो माइक्रोवेव्स आसमान में हमारे रडार जो है डाल डाल के स्कैन करते रहते हैं। अगर कोई दुश्मन देश का जहाज आता है तो वो माइक्रोवेव्स जहां तक जाके टकराती हैं उससे दुश्मन के जहाज की स्थिति का पता लगाया जाता है कि वो कितनी हाइट पे है, कितनी स्पीड से है, वो सारा डेटा प्रोसेसिंग करके रडार सिस्टम हमारा बता देता है। और वही माइक्रोवेव आपके घर में भी होता है। जहाज पकड़ने के लिए जो सिग्नल्स यूज होते हैं और जो आपके घर में माइक्रोवेव है, दोनों का एक ही प्रिंसिपल है और इसी से एनर्जी को सेंस किया जाता है। या आपने एक एनर्जी फेंकी, वो कितनी दूर तक गई और कितनी दूर से टकरा के वापस आ गई, इसी को पुराने जमाने में डाउजिंग कहा जाता था। ये जो आपको मैंने रूप बताए हैं ये डाउजिंग का एक बहुत ही डेवलप्ड जो हिस्सा है आज के जमाने का, मॉडर्न जमाने का, वो है डाउजिंग। अब जैसे जहाज आया तो आपने क्या किया,
नीचे बैठे बैठे रडार ने आपको बता दिया कि आपके इलाके में जहाज आ गया, या जमीन के नीचे से पानी निकला, या मिनरल्स निकले, या जो भी निकला। तो हर वाइब्रेशन को कैच करने का डिवाइस अलग अलग होता है। जिस डिवाइस से आप कैच करते हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होगा तो आप उसको पकड़ पाओ। तो इस तरीके से जमीन के नीचे छुपी हुई बातें, मिनरल्स या वाटर या जो कुछ भी है वो, आसमान में अगर कोई चीज जा रही है तो सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा उसको पकड़ना हो, वो भी एक तरह का डाउजिंग ही होता है। लेकिन आज जो आप लोग डाउजिंग सीख रहे हो वो है इंसान के मन में छुपी हुई बातों को जानने की डाउजिंग। हमारे अंदर, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कोई भी इवेंट होती है तो उसकी एक एनर्जी क्रिएट होती है, और मेरे बारे में अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे बारे में जो भी जानना है वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे में और मेरे ऑरा में समाई हुई होती है। तो अगर आप जैसे जहाज को सिग्नल भेज के जहाज की हाइट, स्पीड और बाकी सारी चीजों का एनालिसिस एक सिस्टम करता है, उसी तरीके से आप जब अपने डाउजर से मेरे बारे में जानने के लिए अपने डाउजर से सिग्नल भेजोगे तो मेरे बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो जानना है मेरे बारे में वो मेरी इंफॉर्मेशन है और वो मेरे ऑरा में है। आज हो गई घटना या आगे होने वाली घटना, ये सारी चीजें हमारे ऑरा में उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। कोई भी इवेंट होती तब है जब उस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी एनर्जी जुड़ जाती है। शादी कब होगी, संतान कब होगी, ये सारी चीजें तब होती हैं जब एक इवेंट होने के लिए पूरी एनर्जी जुड़ जाती है। लेकिन क्या एक ही दिन में जुड़ती है? एक दिन में तो नहीं जुड़ती, धीरे 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 वो इकट्ठी होती रहती है। और कितनी इकट्ठी हो गई है, कितनी बच गई है, वो सारा कुछ अगर आपने जानना है तो आप डाउजिंग के माध्यम से जान सकते हैं। हम लोगों ने पानी तो खोजना नहीं, लेकिन बहुत जगहों पे ये काम आती है। आज का ये कोर्स 2 घंटे 3 घंटे में आप लोगों के सामने जो कुछ भी मैं बताऊंगा ये आप लोगों को इतना काबिल कर देगा कि एक एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई बात हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, लेकिन जो आप बता दोगे वो ठीक निकलेगा। जो आपने जानना है वो सारी घटनाओं की ऊर्जाएं यूनिवर्स में कहीं ना कहीं बन रही हैं। मेरे से जुड़ी हुई इवेंट है तो मेरी ऊर्जाओं में वो ऊर्जाएं बन रही हैं, और आपको वहां से निकालनी है इंफॉर्मेशन और आपको बता देनी है। वो काम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से और एक्यूरेट तरीके से डाउजिंग आपको बताती है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो ही डाउजिंग के आंसर एक्यूरेट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन कैसे फेच करनी है, जो छुपी हुई रहस्य वाली बातें हैं उनको कैसे जानना है और उसको जानने से क्या फायदा होगा, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। बहुत साल पहले मेरे पास एक फोन आया, रात के करीब 11 बजे का टाइम था, और उस लड़की ने मुझे फोन पे ये बोला कि मेरे फादर सुबह के घर से निकले हुए हैं और अभी तक वो घर नहीं आए हैं और मेरे पास कोई उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो खो गए। तो क्या आप उनके बारे में बता सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैंने उस बच्ची को कैसे बताया था, क्या बताया था और वो कितना सटीक निकला। कोई इंसान अगर गुम हो जाए तो वो जीवित है कि नहीं है, है तो कहाँ है, शहर में है कि शहर से बाहर है, अपनी मर्जी से गया है या किसी के कहने पे गया है, ये सारी चीजें आप उसको बता पाओगे। ये बहुत बड़ी एक इमरजेंसी केसेस में बहुत अच्छी तरह से ये चीज आप लोगों को बतानी आ जाएगी, और बहुत ही आसान विद्या है, कोई भी सीख सकता है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है,
जो लोग रेकी वाले हैं उनकी ध्यान शक्ति वैसे ही अच्छी होती है, तो वो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। जिनका ध्यान अच्छा नहीं लगता उनको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, धीरे धीरे करके वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हम ये कोर्स जो है शुरू करते हैं, और आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस से मैं शुरू कराऊंगा और धीरे धीरे आप लोगों को उसके प्रिंसिपल्स बताता जाऊंगा। कोर्स खत्म होते होते आप लोग बहुत अच्छे एक डाउजिंग करने वाले बन चुके हो।